एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रोडक्ट। आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाइड्रा बूस्ट फेस टोनर विथ हाइलुरोनिक एसिड का रिव्यू। ये डर्मडॉक ब्रांड का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, क्या इसको बाय करना वर्दी है या नहीं, क्या मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ रहा, क्या इनके सारे क्लेम सही हैं और वर्क करते हैं या नहीं, और हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, एवरीथिंग जानेंगे डिटेल में। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू कंटेंट अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए पहले इस फेस टोनर के हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें सोडियम है, एक्वा है, एलोवेरा लीफ जूस है, रोज वाटर है, विटामिन ई, फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव, टी, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, ये इनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। टोनर यूज़ करना क्यों ज़रूरी है और हमारे टोनर स्किन के लिए क्या करता है, तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। टोनर हमारे पोर को श्रिंक करता है, रीस्टोर करता है हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को, ऐड करता है लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। टोनर हेल्प करता है पोर्स को क्लोज करने में। टोनर मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है। नेचुरली रिमूव करता है ऑयल एंड डॉट को। टेम्परली टाइटन करता है हमारे स्किन को। ये बेनिफिट्स होते हैं टोनर लगाने के। अगर आप टोनर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ टोनर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, ताकि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहे, आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, रिजनेट रहे। अगर आप एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, आपकी स्किन यंगर लगती है, ब्राइटर लगती है। तो प्लीज़ आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए। तो चलिए इस टोनर की तरफ बढ़ते हैं, इनके क्लेम देख लेते हैं। इनके क्लेम क्या है, इन्होंने कहा है कि आपके मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है, आपकी स्किन को लॉन्ग टाइम तक नॉरिश करके रखता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, इम्प्रूव करता है स्किन इलास्टिसिटी को। तो इनके ये क्लेम कितने सही है मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले बता देती हूँ, ये पैराबेन सल्फेट क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। इसकी आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड की है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और इस तरह के आपको स्प्रे बॉटल में ये टोनर मिलता है। और जो इसका स्प्रे एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है एंड हाइजीनिक भी है। ये टोनर सभी स्किन टाइप को सूट करता है, इन्होंने क्लेम किया है। बट जिनकी सेंसिटिव स्किन है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि पैच टेस्ट कंडक्ट जरूर कीजिए। बिना पैच टेस्ट कंडक्ट किए हुए डायरेक्टली इस टोनर को अप्लाई मत कीजिएगा। इसकी फ्रेग्रेंस माइल्ड है, रोज एसेंस की इसमें फ्रेग्रेंस है। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड हेल्प करता है रिटेन करने में मॉइस्चर कंटेंट को, आप स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है एंड आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट्स हो गए। मैंने हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अब बात कर लेते हैं इनके क्लेम कितने सही है। मैं और मेरी मॉम इस फेस टोनर को पिछले 15 डेज से यूज कर रहे हैं, और मेरी मॉम का इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरी मॉम की स्किन हेल्दी, हाइड्रेट एंड सॉफ्ट हुई है। ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ गुड रहा। मेरा इस टोनर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड इनकी क्लेम कितनी सही है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं और मेरी मम्मा 15 डेज से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर 15 डेज के बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन्होंने क्लेम किया है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, लॉन्ग टाइम तक नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है बट लॉन्ग टाइम तक नॉरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में कुछ हद तक इनका क्लेम ये सही है कि स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, ये भी इनका क्लेम कुछ हद तक सही है। मैंने नोटिस किया कि जब से मैं इस टोनर को यूज़ करने लगी तब से मेरे कलर कम्प्लेक्शन में ह्यूज डिफरेंस आने लगा। मेरा कलर कम्प्लेक्शन डार्क होने लगा डे बाई डे इस टोनर को यूज़ करने से। दैट्स वाई मैंने 15 डेज के बाद इस टोनर को यूज़ करना स्टॉप कर दिया। बट मेरी मम्मा अभी भी इस टोनर को यूज़ कर रही हैं, क्योंकि उनको ये टोनर सूट करता है और उनके लिए ये गुड प्रोडक्ट है। तो ये डिपेंड करता है हमारी स्किन टाइप के ऊपर कि हमारी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है और नहीं सूट करता है। अगर आपने इस टोनर को यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस टोनर के साथ कैसा रहा। अब बताती हूँ इस टोनर को यूज़ कैसे करना है। स्प्रे एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं डायरेक्टली अप्लाई कर लेती थी। कॉटन पैड या कॉटन बॉल पर आप इस टोनर को स्प्रे कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी स्किन में डैप डैप कर लीजिए, उसके बाद अपनी स्किन को
ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जो मेथड आपको इजी लगे उस तरह से आप इस टोनर को अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अपने लिप्स को अंदर की तरफ रखिएगा और आईज को क्लोज रखिएगा, ताकि आंखों में चला जाएगा तो आपको इरिटेशन हो सकती है। अगर मुंह में चला जाएगा तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर ही डायरेक्टली स्प्रे कीजिएगा अपने फेस पर, अदरवाइज आप कॉटन पैड पर इसको स्प्रे करके अपने डैप डैप कर लीजिए अपने फेस पर। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 275 रुपीज। आपको नेट वॉल्यूम मिलता है 120 ml। और इसके प्राइस की बात करूँ तो मुझे इसका प्राइस बिल्कुल रिजनेबल नहीं लगा, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टोनर लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग बात करूँ इस टोनर की तो इसका प्राइस मुझे वर्दी नहीं लगा। पर ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरा इस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस ओके रहा है। आप लोगों का इस प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो purple.com से आप बाय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर किसी प्रोडक्ट पर आप रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।